हेलो गाइस, दिस इज सचिन जुआना, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में। मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ टिप्स जो आपकी फ्लैश फोटोग्राफी को बहुत अपग्रेड कर देंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन टिप्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो सबसे पहले टिप है वो है बाउंसिंग फ्लैश। बेसिकली जब भी आपके पास फ्लैश आता है तो बहुत सारे यूज़र्स का ये कहना होता है कि सचिन भाई हमें ये बताइए कि हम जब फ्लैश यूज़ करते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट है, जब हम उस पर फ्लैश यूज़ करते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा हार्ड आती है, तो हम उसको किस तरीके से रिमूव करें। इतनी ज़्यादा हार्श लाइट होती है कि वो अच्छी नहीं लगती है दिखने में, तो हम उस चीज़ को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है बाउंस फ्लैश। आप बाउंस करके फ्लैश को यूज़ कीजिए। अगर आप डायरेक्ट फ्लैश यूज़ करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट है उसके फेस पे हार्ड लाइट आएगी। जब आप इस तरीके से बाउंस करके अपना फ्लैश यूज़ करेंगे तो आपके फ्लैश की जो रे है वो पहले ऊपर जाएगी, वो दीवार या किसी भी सीलिंग से टकराएगी और उसके बाद आपके सब्जेक्ट पर जाएगी, जिसकी वजह से आपका, मतलब हमेशा ये आप जान लीजिए, जितना बड़ा आपका लाइट सोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट लाइट होगी और उतनी ही जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट है वो अच्छी लगेगी। तो हमेशा बाउंस करके फ्लैश यूज़ कीजिए जब भी आप किसी का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं या आप किसी वेडिंग में भी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, तो भी आप जो है बाउंस करके फ्लैश यूज़ कर सकते हैं इंडोर्स में। सो गाइस, जो टिप नंबर 2 है वो है डिफ्यूज़ योर फ्लैश। अब बात यह है कि डिफ्यूज़ क्या होता है। गाइस, बहुत सारे डिफ्यूज़र्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब डिफ्यूज़र होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ इस फ्लैश के थ्रू। बेसिकली अगर मैं इस फ्लैश को देखूं तो ये, अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये जो आप ये जो वाइट कलर का कार्ड देख रहे हैं, इसे हम डिफ्यूज़र कह सकते हैं। अब ये किस तरीके से, जब आप इसको ओपन करके यूज़ करोगे तो आपके जो आईज़ होती हैं उसके नीचे शेडोज़ बन जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है नाइट में जब आप फोटोग्राफी कर रहे होते हो तो होता क्या है कि थोड़ी सी लाइट यहाँ से टकराती है और आपके आईज़ के नीचे की जो शेडोज़ है उसको रिमूव कर देती है। गाइस, जब आप इस तरीके के डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं तो आपकी जो लाइट है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। आप बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं, एक सबसे सिंपल डिफ्यूज़र यही होता है। आप ये इस तरीके के वाइट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली इसी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये फ्लैश मैनुअल फ्लैश है, मैंने अराउंड 2600 या 3000 में ख़रीदा था। तो आप एक अगर फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं फ्लैश के अंदर, आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। मैक्सिमम 3000 तक की रेंज का आपको एक मैनुअल फ्लैश मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। ये मैंने सोनिया का फ्लैश खरीदा था, करीब इसको 2-3 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और एकदम परफेक्ट ये चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम डिफ्यूज़र पे आ जाते हैं दोबारा से। तो ये डिफ्यूज़र होता है, ये भी लाइट को सॉफ्ट करता है, जिससे आपके जो सब्जेक्ट है उसके नीचे के आई के नीचे की जो शेडोज़ होती हैं ये सारी रिमूव हो जाती हैं और आपकी जो पोर्ट्रेट है, जो आपकी जो फोटोग्राफ है, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है और एकदम सॉफ्ट लाइट आपको देखने को मिलती है। सो गाइस, जो टिप नंबर 3 है वो है कि यूज़ मैनुअल मोड जब भी आप फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गाइस होता क्या है कि जब आप अपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी इस तरीके की मोड यूज़ करते हैं तो आपकी जो कैमरा है वो पूरे इमेज को एकदम एक्सपोज करने की कोशिश करता है, जिस वजह से बहुत बार जो इमेज आपकी ओवर एक्सपोज हो जाती है। क्योंकि एक तो फ्लैश की लाइट, ऊपर से आपका कैमरा भी उसे ओवर एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब प्रॉपर एक्सपोज लेने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके कैमरे की लाइट और फ्लैश की लाइट दोनों मिक्स करके उसे ओवर एक्सपोज कर देती हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप मैनुअल मोड यूज़ कीजिए, क्योंकि मैनुअल मोड में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको जो फ्लैश के साथ जो इमेज है वो थोड़ी जो बैकग्राउंड में अंडर एक्सपोज चाहिए या आपको इमेज ओवर एक्सपोज चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट को ओवर एक्सपोज करना है या फिर बैलेंस में रखना है, तो आप वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। गाइस, मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर कर रहा हूं, जो मैं अपनी कैमरा सेटिंग यूज़ करता हूं जब मैं फ्लैश फोटोग्राफी कर रहा हूं। तो मैक्सिमम टाइम, एक्सेप्शन केस जो आर ऑलवेज देयर, तो मैं मैक्सिमम टाइम जो मैं कैमरा सेटिंग्स यूज़ करता हूँ जब मैं फ्लैश के साथ हूँ, मैं मैनुअल मोड यूज़ करता हूँ। मैनुअल मोड में मैं अपर्चर F8 या F11 रखता हूँ, शटर स्पीड मैं 1/200 रखता हूँ, अपर्चर मैंने आपको बता ही दिया है, ISO मैं अराउंड 200 के अराउंड रखता हूँ, 200 या 400 जो भी मुझे सही लगता है। और पावर जो है, मैं पावर, जैसे मेरे पास मैनुअल है तो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ अपनी पावर की, मुझे पावर कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो इस तरीके से मैं अपनी कैमरा सेटिंग्स रखता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर मैं आपको ये सेटिंग्स बता रहा हूँ, तो अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी हैं तो आप इसमें ये सेटिंग्स यूज़ करके
मैनुअल मोड में, और अगर स्ट्रीट भी नहीं यार, आप किसी का पोर्ट्रेट भी क्लिक कर रहे हो, आप वेडिंग भी कर रहे हो, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप मैनुअल मोड आराम से यूज़ कर सकते हो फ्लैश के साथ। वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर देता है, आप यूज़ करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यूज़ मैनुअल मोड जब भी आप फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो गाइस, जो टिप नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, आप एक वीडियो वॉच कर रहे हो, स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं भी हो, आप वेडिंग करते हो, आप पोर्ट्रेट करते हो, तो आप बहुत क्रिएटिव फोटोग्राफ निकाल सकते हो स्लो शटर में, अगर स्लो सिंक में फ्लैश यूज़ करके। अब वो कैसे, आप अपनी शटर स्पीड को 1:4, 1:15, 1:20, मतलब इस तरीके की कम शटर स्पीड यूज़ करके, किसी भी मोशन में यूज़ करके देखो फ्लैश। मैं बोलूँगा कि आपको बहुत क्रिएटिव पिक्चर्स मिलेंगी। मैं यहाँ पे एक फोटोग्राफर का नाम लेना चाहूँगा, मनीष जैसी, उन्होंने बहुत क्रिएटिव फोटोग्राफ निकाले हैं स्लो सिंक शटर स्पीड से फ्लैश के साथ मिक्स करके, यानी कि स्लो शटर स्पीड और फ्लैश को मिक्स करके उन्होंने बहुत अच्छा काम क्रिएट किया है, और बहुत ही कमाल का काम उन्होंने क्रिएट किया है। अगर आपने नाम सुना होगा ब्रूस गिल्डन, तो वो भी इस तरीके का काम जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी मतलब स्लो सिंक में फ्लैश को यूज़ करते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी शटर स्पीड को कम रखिए और उसके साथ फ्लैश को यूज़ कीजिए, देखिए आपको बहुत क्रिएटिव पिक्चर्स मिलेंगी। सो गाइस, ये थी कुछ टिप्स जो आप फ्लैश फोटोग्राफी में ट्राई कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर आप सबको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे जो टिप्स हैं अपनी फ्लैश फोटोग्राफी को अपग्रेड करने में। सो गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आप मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।